अब हम ये देखेंगे कि MIS रिपोर्ट्स इन एक्सेल कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं। MIS स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS एब्रिवेशन है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सेल एंड MIS रेफर्स टू द यूज ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट्स एंड टूल्स टू कलेक्ट एनालाइज एंड प्रेजेंट डेटा फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग एंड रिपोर्टिंग पर्पस। MIS जो है वो एक्सेल की स्प्रेडशीट को यूज करते हुए इसमें डेटा की कलेक्शन, उसकी उसको एनालाइज करना और उस डेटा को एक रिपोर्ट में कन्वर्ट करना और उसको जो मैनेजर्स जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। MIS reports help management to assess the performance of the organization and allow decision making. MIS reports की बेस पे जो बड़े बड़े decisions होते हैं वो लिए जाते हैं, क्योंकि आप organization में रहते हुए हर एक काम को वन बाय वन अगर चेक करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग काम होगा और उससे आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो थोड़ी रफ हो जाएगी और आप जो वो डिसीजन मेकिंग में टाइम कंज्यूम करेंगे। MIS रिपोर्ट्स को यूज़ करते हुए आप एक सेम प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आप सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हुए आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। MIS रिपोर्ट्स जो है वो किस तरीके से क्रिएट की जाती हैं उसके लिए MS Excel के वर्कशीट पे अब हम प्रैक्टिकल मोड में चेक करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये एक डेटा है जिसमें सेल डिटेल है कार्स की, और कार जो है वो डिफरेंट कंपनीज की हैं जिसमें है सुजुकी, होंडाई, निसान, BMW, फोर्ड और इसके अलावा और भी बहुत सी कार्स हैं। किस किस ईयर में वो कितनी कितनी क्वांटिटी उसकी सेल आउट हुई है। इसमें ईयर का कॉलम है, कार्स है उनकी क्वांटिटी है और प्राइस है जो पर यूनिट जो है वो सेल की है। अब इससे हम MIS रिपोर्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं देखते हैं। हम देखेंगे कि इस डाटा सेट से हम किस तरीके से पिवट टेबल्स और पिवट चार्ट्स को क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक डाटा सेट है, ईयर्स का, कार और क्वांटिटी और प्राइस के कॉलम्स हैं। ये डाटा सेट जो है हमारे पास कार्स की सेल डिटेल है। इसको हमने अगर पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल ए करके ये जो डाटा सेट है इसको सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद इसको पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस टी प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्रिएट टेबल का ये ऑप्शन आता है। इस पर जब ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो सिंपल डाटा था ये टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने इस डाटा सेट को सिलेक्ट करके इंसर्ट के टेबल में जाना, इंसर्ट के टूल बार मेन्यू में जाके पहला ही जो टेबल्स वाला टूल बार ग्रुप है इसमें देखेंगे पिवट टेबल का ऑप्शन है। पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज, यहां ये हमारे पास पेज ओपन होगा। आपके पास ये पिवट टेबल का पॉपअप पेज शो होगा, इस पे आप सिलेक्टेड टेबल और रेंज टेबल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड, तो जहां पे आप ये पिवट टेबल प्लेस करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इसी वर्कशीट पे चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक कर दें, अगर आप नई वर्कशीट पे चाहते हैं तो नई वर्कशीट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक नई शीट ओपन होगी। अब इस शीट पे आप चाहते हैं आपके पास ये नई शीट ओपन होगी, इस पे आपके पास ये राइट साइड पे डाटा जो भी कॉलम्स में मौजूद था वो आपके पास फील्ड्स जो हैं वो इस साइड पे शो हो रही हैं। नीचे आपके पास चार बॉक्सेस हैं जिनको हम फोर एरियाज बोलते हैं, इसमें फिल्टर्स हैं, कॉलम्स हैं, रोज हैं और वैल्यूज हैं। आप ये फील्ड्स को ड्रैग करके इन एरियाज में आप प्लेस कर सकते हैं। इन एरियाज में प्लेस करेंगे तो आपके पास जहां जहां आप प्लेस करेंगे इस प्लेसिंग के हवाले से यहां पे आपको वो एरिया में, उस रिस्पेक्टिव एरिया में आपको वो जो डाटा होगा वो शो होगा। कार्स को रोज में ले आऊं, उसके बाद ईयर्स को मैं रो में प्लेस कर दूं और क्वांटिटी को मैं यहाँ पे वैल्यूज में और प्राइस को भी यहाँ पे मैं वैल्यूज में प्लेस कर दूं तो आप देख सकेंगे कि रो लेबल जो है उसमें आपकी ये BMW, फरारी, फोर्ड, होंडाई, लैम्बरगिनी, मर्सिडीज, निसान, सुजुकी ये सारी शो हो रही हैं और साथ ही आपको इनके नीचे ईयर्स शो हो रहे हैं जिन ईयर्स में इनकी सेल हुई है। आगे सम ऑफ क्वांटिटीज में आपको उनकी क्वांटिटीज शो हो रही हैं और सम ऑफ प्राइस में आपको उनकी प्राइजेस शो हो रही हैं जिन प्राइजेस के अगेंस्ट जो है ये कार जो है वो सेल हुई हैं। अब इनको आप सिंपली, अगर मैं इनको अनक्लिक करूं तो आप इनको क्लिक करके भी प्लेस कर सकते हैं, आप इनको सिंगल क्लिक करके भी प्लेस कर सकते हैं जहां पे आपने करना है।
ये सिंगल क्लिक कर रहा हूं तो जहां जहां वो प्लेस है उनकी, वो वहां वहां प्लेस हो रही है। अब लेकिन मैं यहां पे इसके अकॉर्डिंग नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि सम ऑफ ईयर जो है ये भी रोज में आए। तो सम ऑफ ईयर्स को अगर मैं यहां से ड्रैग करके रोज वाले एरिया में प्लेस कर देता हूं तो मेरे पास ये इस तरीके से मेरा जो पिवट टेबल है वो शो होता है। इस तरीके से हम पिवट टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस पिवट टेबल से हमने चार्ट क्रिएट करना है। इस पिवट टेबल से चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे, हम इस डेटा को सारे को सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा को सिलेक्ट कर सारे को डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास यहाँ पे चार्ट्स वाले ऑप्शन में और चार्ट वाले टूल बार ग्रुप में पिवट चार्ट का ऑप्शन है। पिवट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये चार्ट्स की कैटेगरीज जो हैं, जो जो कैटेगरी हैं, आप वो चार्ट की कैटेगरीज को सिलेक्ट करके आप डेटा को यूज करते हुए चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कॉलम चार्ट पहले क्रिएट करता हूँ, क्लस्टर्ड कॉलम वाला या स्टैक्ड कॉलम वाला। मैं यहाँ पे स्टैक्ड कॉलम वाला चार्ट क्रिएट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये आपके पास चार्ट क्रिएट हो गया है। इस चार्ट से आप इसकी जो कॉलम्स हैं और रोज हैं इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि वो डाटा वैसे ही प्लेस है जैसा कि आपके पास रोज और कॉलम्स में वो डाटा प्लेस था। अब अगर आप यहाँ पे डाटा सेट में रो लेबल्स में जो इसकी फिल्टर्स को सिलेक्ट करेंगे आप, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये जो चार्ट है ये भी सेट होगा। इसी तरीके से अगर मैं इसके साथ हुंडई का भी देखना चाहूं तो ये आपके पास दो जो कंपनीज हैं उनका डाटा शो होगा। इसी तरीके से आप फिल्टर ऐड करके आप सारी जो कॉलम्स हैं, आप सारा जो डाटा सेट है उसका जो चार्ट है वो भी चेक कर सकते हैं, और आप किसी स्पेसिफिक फिल्टर को लगा के उस वैल्यू के अगेंस्ट भी चार्ट को देख सकते हैं। आप इस चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। आप जस्ट इस पे क्लिक करें और फॉर्मेट प्लॉट एरिया पे क्लिक करें तो इस प्लॉट एरिया के रिलेटेड अगर कोई आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप यहां पे प्लॉट एरिया में राइट साइड पे अगर आप देखें तो आप उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। इसके आप जो ये एक्सिस हैं इसको फॉर्मेट कर सकते हैं राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। आपके पास ये नीचे जो नीचे वाले जो एक्सिस हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे फिल्टर लगा के चार्ट को जो स्पेसिफिक ऑप्शन है उस पर क्लिक करके स्पेसिफिक फिल्टर लगा के आप उसके अगेंस्ट चार्ट को देख सकते हैं। एक चार्ट हमने ये क्रिएट कर लिया है। आप दूसरा चार्ट क्रिएट करने के लिए इसको सिलेक्ट करते हैं, डाटा सेट को इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, पिवट चार्ट, और पिवट चार्ट पे अब मैं चाहता हूं कि मैं पाई चार्ट क्रिएट करूं। पाई चार्ट के लिए मैं ये पाई पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करता हूं। ये टू डायमेंशनल है, ये थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। अब थ्री डायमेंशनल पाई चार्ट पे क्लिक करके मैं अगर ओके पे क्लिक करूं तो मेरा ये थ्री डायमेंशनल पाई चार्ट क्रिएट हो गया है। उसके बाद अगर मैं थर्ड चार्ट एक और क्रिएट करना चाहूँ तो ये इस डाटा सेट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करके पिवट चार्ट, और पिवट चार्ट में हमने पाई चार्ट भी क्रिएट कर लिया, कॉलम चार्ट भी। अब मैं बार चार्ट क्रिएट करता हूँ, बार चार्ट में स्टैक्ड बार चार्ट, और ओके पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये थर्ड चार्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हम इस डाटा सेट के स्लाइसर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम पिवट चार्ट एनालाइज पे क्लिक करेंगे मेन्यू में, और इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो कॉलम्स हैं वो आपके पास फील्ड्स में शो होंगे। आप जिस जिस कॉलम का स्लाइसर क्रिएट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अगर मैं यहाँ पे ईयर का, कार का और प्राइस का स्लाइसर इंसर्ट करना चाहता हूँ, इनको सिलेक्ट करके मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आपके पास ये तीन स्लाइसर्स आ गए हैं। अब ये डाटा जो हमारे पास चार्ट्स और स्लाइसर्स आए हैं इनको हम एक अरेंजमेंट में रख लेते हैं, इनको मैनेज करते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो होती है वो एक सेट और ऑर्गेनाइज्ड वे में ही अच्छी लगती है। स्लाइसर्स इसको भी हम थोड़ा इधर एक्सटेंड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास डाटा जो है वो आ गया है। अब हमने इन चार्ट्स को मैनेज कर अरेंज कर लिया है एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के थ्रू। अब देखें तो अगर मैं यहां पे इस स्लाइसर पे क्लिक करूं
और ये 2016 पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 2016 में जो कार्स हमारे पास सेल आउट हुई हैं उनकी प्राइजेज और वो कार की सेल हमें इन तीन डिफरेंट चार्ट्स में शो हो रही है। ये पाई चार्ट है, ये बार चार्ट है और ये कॉलम चार्ट है और ये स्लाइसर्स हैं। जब हम इन तीनों फिल्टर्स को इन तीनों स्लाइसर्स पे हम किसी भी स्पेसिफिक फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो उस स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट जो कार्स और उनकी प्राइजेज हैं वो हमें शो हो रही हैं। अगर मैं फिल्टर को नन कर दूं तो मेरे पास ये सारा डाटा ही शो हो रहा है। ये है MIS रिपोर्ट और इस तरीके से हम MIS रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं जो कि मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती हैं।